ये हमारा पैडी ड्रम सीडर है। पैडी ड्रम सीडर का काम क्या होता है, जैसे कि किसान आजकल क्या हमारे DSR पे ज्यादा फोकस कर रहा है, धान की सीधी बुआई, इंग्लिश में अगर बोले डायरेक्ट सीडी ड्राइस। तो अगर हम उसको भी दो तरीके से करते हैं, एक होता है मशीन के द्वारा होता है जो DSR प्लांटर आता है, लेकिन कुछ किसानों के पास प्लांटर खरीदने का 1 लाख की कीमत नहीं है, तो ये 5 से 5,500 की कीमत में आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग पडलिंग कर लेते हैं खेत की, खेत तैयार कर लेते हैं और 12 से 14 घंटे के लिए उसको भिगो कर रखते हैं, फिर 12 से 14 घंटे बोरा में, जूट के बोरा में रख देते हैं, जिससे कि हल्का सा सुआ निकल जाए, अंकुरण अगर हो जाता हल्का सा, फिर उसके बाद ढक्कन खोल के इसमें भर दिया जाता है। और भरने के बाद कादो वाला जो रहता है, जो पानी एक बार भर देते हैं, पानी के बाद उसको 24 उसी टाइम पीरियड में 24 घंटे के लिए सेटल होने के लिए, जिससे कि खेत में मड्डी टाइप में रहे, गारा टाइप में रहे, तो मड्डी रहेगा तो आराम से उसको खींचते जाएगा, तो बीज गिर जाएगा और अंकुरण हो जाएगा, तो उसको सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई भी बोलते हैं इसमें करने के लिए, और नहीं तो DSR के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे दो है DSR का, मतलब खेत सूखा होना चाहिए या पानी होना। नहीं नहीं, खेत में जैसे हम लोग पडलिंग करते हैं, पडलिंग में क्या होता है मिट्टी लसलसी हो जाती है, तो पानी जो ऊपर सतह पे ना हो, तो अगर हम 12 से 14 घंटे या 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो पानी अंदर उसमें सेटल हो जाता है, वो तो गारा टाइप में हो जाता है, देखते ना मड्डी टाइप में हो जाता है, थोड़ा सा लसलसा उसी में चलता है, क्योंकि पानी अगर रहेगा तो ड्रम डूबने का चांसेस रहेगा, क्योंकि पहिया धसेगा तो हल्का थोड़ा सा मिल जाएगी मिट्टी, थोड़ी लसलसी हो जाएगी, तो आराम से उसमें चला जाएगा। तो यही मेन हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो जो सीड है हमको वो इसमें रखना होगा। हाँ, सीड इसमें हमारे जो बॉक्स रहते हैं, ये बॉक्स आपको ये ढक्कन खोलो और कोई भी कुप्पी टाइप में बनाओ यहाँ पर और उसमें डाल दो, बस अंकुरण हल्का सा सुआ निकलना चाहिए उसका, सुआ जब जब 12 घंटे भिगो कर रखेंगे, 12 घंटे इसे जूट के बोरे में रखेंगे, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। 24 घंटे होगी इसकी, यहाँ से निकलता चला जाएगा, हमारे छेद से जो लाइन से लाइन की दूरी भी बनती चलेगी। कितना डिस्टेंस है ये, यहाँ पर होगा 5 से 7 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी भी बन जाती है 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, इस तरह से चलता है। और डेप्थ में ये उस पर गिर जाता, तो जब लसलसी मिट्टी रहती है तो उसमें चिपक जाता है, सीड अगर जाकर एकदम गिर जाता अपर सतह पे, अपर सतह पर। जब हम नर्सरी गिरते हैं, नर्सरी को आप छीट ही देते ना, नर्सरी ऐसा तो नहीं मिला के अंदर डालते, नर्सरी छीट देते ऊपर ही रहता है, ऊपर ही रहता है, तो ऐसे जब ऊपर से नर्सरी निकल चलते सिंगल क्या होता है, देखो सीड के ऊपर साइज के ऊपर रहता है, कुछ लंबे हाइब्रिड रहते हैं, कुछ वो रहते हैं, उस तरह से रहता है, जितने ज्यादा हाइब्रिड है 3 से 4 किलो एकड़ के हिसाब से चलता है, वो थोड़ा जो परंपरागत वाली नॉर्मल वाली वैरायटी रहती है 10-12 किलो एकड़ या 15 किलो एकड़ के हिसाब से जाता है, तो उस हिसाब से हम छेद भी उस हिसाब से खोल, 1 से 2 सीट गिर सकते हैं, 2-3 सीट भी गिर सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारी दूर से दूरी बनाएगा तो वो आराम से हमको खाली पानी में थोड़ा मोशन पकड़ ले और जमीन पर आ जाए टच, वो आराम से निकल आता है। तो सर इसमें ऐसा नहीं होता होगा जैसे बहुत सारे सीड हो गए इसमें इकट्ठे ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता होगा फरारा टाइप में, जब जब हम जूट के बोरा में रखेंगे हल्का अंकुरण रहेगा तो फरारा रहेगा वो हल्का, इतना ही मोशन भी निकाल लिया हमने, बस अंदर उसने इतना पीना था बीज को, उसने पी लिया पानी को और हल्का सा अंकुरण निकला है, तो फरारा टाइप में मतलब हल्का भुरभुरा टाइप में, कभी आप देखना उसको करता है, तो जब जब जाते गया तो धान का वैसे फुरफुरा रहता है, हाथ में डालोगे तो एकदम बिखरता है, उस तरह से आराम से निकलता है, और झटका जब चलता है तो झटका लगता है ट्रम में, तो ऑटोमेटिक वो मिलेगा, ये 5,000 के रेंज में आता है, 5-5.5-6,000 तक आराम से मिल जाता है। सब्सिडी नहीं, सब्सिडी का मतलब कृषि विभाग वाले में आती है तो वो बताते हैं, हम लोग खाली इसको प्रमोट करने के लिए है, आपको अगर दिक्कत हो रही किसानों को तो उसके लिए बताना चाहिए, कि मतलब कि DSR धान की सीधी हुआ इससे भी हम लोग कर सकते हैं, फिर आके जो कंपनी वाले बेचते हैं वो उनका पासवर्ड हुआ हुआ है, आपको कोई दिक्कत आती है कैसा काम करना है किस तरह से बीज होना वो हम लोग बताएंगे, ये हमने वाला है।